हमको तो कांग्रेस से बड़का बड़का ऑफर आया था, कांग्रेस जैसी सेंट्रल पार्टी को वहाँ बड़का बड़का ऑफर आया था, आज भी ऑफर है, लेकिन रुस्तम अंसारी महत्वाकांक्षी नहीं है। पूरे झरिया को टापू बना कर छोड़ दिया गया, पूरे झरिया को टापू बन गया, उसके बाद चारों तरफ से प्रदूषण हो गया। आज 70% आदमी झरिया वास करने वाले लोगों को दम्मा का रोगी हो गया कम बेसी। आज यदि हम नहीं कर सके तो दोबारा आपके सामने चुनाव में नहीं जाऊंगा। जयराम महतो की पार्टी से अब खड़ा है, क्षेत्र में जनसंपर्क भी कर रहे हैं, वो भी आए थे, रैली वगैरह भी हुआ, भारी समर्थन आपको देखा जा रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है और आगे क्या जीत के लेकर कितना स्वस्थ है? पहले तो मैं हाथ जोड़ करके अपने कार्यालय में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। दूसरा कि मैं सुबह सुबह के बेला में पूरे झारखंड वासियों को मेरा जोहार प्रणाम आदाब, खास करके झरिया विधानसभा के वासियों को जोहार प्रणाम आदाब। भैया बात ऐसा है कि चुनाव है, चुनाव में हम भी गए हैं, हमारे प्रत्याशी, हमारे चेयरमैन माननीय जयराम महतो जी ने हम पर विश्वास जताया और मैं उनके विश्वास पर खरा उतर रहा हूँ, चुनाव में जीत रहा हूँ। झरिया में जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा से जिस तरह से प्रत्याशी करे, आप पे एक चुनौती आपके साथ है, क्या कहेंगे उसको लेकर? भैया देखिए, मेरे पास तो काम का चीज़ है, उन लोगों के पास पैसा का चीज़ है। हमारा झरिया, मेरा झरिया को बर्बाद कर दिया लोग, ये दही दोनों आदमी, तीसरा कोई बर्बाद नहीं किया। जनप्रतिनिधि चुन के जो जाता है वो चाह ले तो सारे गलत काम खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, दुर्भाग्य ये है कि झरिया मिलो रहते नहीं हैं, झरिया में हम रहते हैं, हम यहाँ की जनता रहती है। पानी की समस्या जनता को होगी तो हमको भी होगी, धूल प्रदूषण से वो डस्ट खाएंगे तो हम भी डस्ट खाएंगे। यहाँ पर सारा चीज़, यहाँ पर 30-35 साल से कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। विकास यदि आप लोग मानते हैं कि नली गली रोड बना देना एक विकास है, तो हम इसको नहीं मानते हैं। हम उसको मानते हैं जो जटिल समस्याओं को, जनता के जटिल समस्याओं को समाधान करे, उसको हम विधायक कहते हैं, साफ साफ बात है। यहाँ देखिए ना, पूरे झरिया को टापू बना कर छोड़ दिया गया है, पूरे झरिया को टापू बन गया, उसके बाद चारों तरफ से प्रदूषण हो गया। आज 70% आदमी झरिया वास करने वाले लोगों को दम्मा का रोगी हो गया कम बेसी दम्मा का रोगी हो गए हैं। पानी की जटिल समस्या है, जटिल से जटिल समस्या, कभी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज देखिए, शिक्षा कहीं नहीं है, हॉस्पिटल की बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, तो आप लोग से निवेदन है कि आप एक बार चले जाइएगा बनियाहिर में, आज से 7-8 साल पहले एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, आज तक उसमें डॉक्टर नहीं आया, आज तक उसमें बेड नहीं लगा। अभी हमको पता चला है कि अलग से एक हॉस्पिटल बन रहा 5-7 करोड़ का, जो उनके ही आदमी लोग टीका कर रहे हैं, इसकी क्या उचित थी? यदि जनता से जुड़ के रहते लोग तो वो हॉस्पिटल पहले चालू होता है, ठीक है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लड़के को खाने को ठीक से नहीं है, परिवार में कोई भी खुशी नहीं मन पा रहा। विश्वास नहीं कीजिएगा, भगवान ने चाहा तो मैं नौकरी का तो वादा नहीं करूँगा, लेकिन यदि हम विधायक बनते हैं तो रोजगार पर पहले व्यवस्था करूँगा, वो भी कुटीर उद्योग से, कुटीर उद्योग जिससे घर में 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपया कमा ले मियाँ बीबी मिल करके, बच्चे मिल करके। 1932 का खतियान धारक यहाँ जो है लोग जमीन का, उनका जमीन भी जिससे लूट लिया, दूसरी कंपनी भी लूट ली, लेकिन आज तक उसका कोई न्याय नहीं मिला। ये भैया गिनती कराएंगे ना तो एक घंटा लगेगा, एक घंटा। आज एक जहाज टाण एक गांव है, हम देखा कल जा करके, रो दिया कि जहाँ उसकी आवाज, वो आज तक आज़ाद नहीं हुआ है, उसको रोड तक नहीं है उस गांव में जाने के लिए, तो क्या भी है कि क्या सांसद कि लोगों का सिर्फ काम है कि लूटना और कुछ नहीं करना। जो नेता व्यापारी बन जाए वो जनता कल्याण नहीं कर सकता है, गीता में भी है इस बात को। आज क्या है देखिए, सामने वाले प्रत्याशी का, सामने वाले जो विधायक थे उनकी, उनके घर के लोगों का तीन तीन दुदुग आउटसोर्सिंग चल रहा, दुदुग आउटसोर्सिंग चल रहा। तो जो काम के लिए मैंने पोल्यूशन निकले, हम बता देते हैं, भगवान ने चाहा यदि विधायक बने, हमारे यहाँ की जनता साथ दिया, तो लोग विधायक रुस्तम अंसारी से सीखेगा कैसे विधायक होता है। आज एक भी नॉर्म से ओपन कास्ट नहीं चल रहा,
पोल्यूशन, एक भी पोल्यूशन का पेपर से वो नहीं चल रहा है। ये भी कितना बात बताएं आपको, सच्चाई यही है कि रुस्तम अंसारी अध्यात्म से जुड़ा हुआ आदमी है और हम गीता भी पढ़े, रामायण भी पढ़े हैं और कुरान को भी जानते हैं हम अपना। तो ईश्वर ने साफ कहा है कि रोटी की चिंता तू मत करना, रोटी हम देंगे। तो फिर हमको जनता की ना सेवा करना है। ईश्वर ने कहा कि जनता को ही तुमको देखना है, इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, 30 साल से लोग देख चुके हैं, उब चुके हैं, बदलाव का लहर है, बदलाव का लहर है। और हमारे पार्टी में तो जन सैलाब है। अब ऊपर से जो आम पब्लिक हैं वो भी चाहते हैं दोनों घराना से छूटे, जान छूटे। आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद आप मासस में थे, उसके बाद अभी जो है आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मासस और माले समर्थन कर रहे हैं, आप अलग हट के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है ना कि मैं एक राय साहब के विचारधारा को पसंद करता था, मैं उनके साथ था, पार्टी में था, पार्टी गठबंधन में चल गई। अब पार्टी गठबंधन में चल गई तो कोई गलत प्रत्याशी को चुनाव करके भेजेगी तो थोड़े हम लोग भाई कहीं बंधुआ मजदूर हैं, साफ साफ बात है। हम तो ईश्वर की बात को लेकर चलते हैं। जनता यहाँ का चाह कि नहीं रुस्तम भाई, कल्याण करने वाला कोई नहीं है। और दूसरी ओर इन लोगों से लड़ने वाला कोई ताकत नहीं, कोई आदमी चुनाव लड़ना भी चाहता है तो लोग इतना डरा धमका देते हैं कि लोग भाग जाता है। तो बोले आप लड़ने वाले हैं, पिछला 25-30 साल से आप लड़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग आपको चाहते हैं कि आप विधायक में लड़े। यहाँ की जनता का ही कहने पर हम चुनाव में गए हैं और जनता के साथ में रहे। इस पार्टी का मुख ऐसा क्या बात लगा जिसमें आप शामिल हुए? हाँ, सबसे पहली बात देखिए, उस भगवान को हम बहुत मानते हैं। भगवान ने एक ऐसा एक नेता पैदा किया झारखंड में जिसका नाम है जयराम महतो। उस आदमी के व्यक्तित्व पर है। देखिए, हम जब पार्टी छोड़े ना तो 10 पार्टियों के ऑफर आई हमारे पास, तो मैं पहले कह चुका कि मैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूँ। वह आदमी एक गरीब परिवार का लड़का, 29 साल का, मैंने PhD फाइनल स्टेज पर है, उसने देखा झारखंड का दुर्दशा क्या है। उस आदमी में एक अलग चीज़ हमने देखा कि भगवान ने उसको स्पेशल भेजा है, उसको कहीं ना कहीं एक शक्ति मिल रहा है ईश्वर से। आज वो झारखंड के लिए लड़ रहा है और जहाँ जा रहा है जैन सैलाब मर रहा है। तो हम बहुत देखे, बार बार कहते हैं महत्वाकांक्षी नहीं, हमने बहुत उसको रीड किया, तब उनके साथ गया। हम खुशकिस्मत हैं, मैं बहुत बड़ा खुशकिस्मत हूँ चूँकि ईश्वर मेरे साथ चल रहे हैं। हम ये काम उनके साथ जा करके अपने के गौरव महसूस कर रहा हूँ उस आदमी के साथ कि रियल में कोई झारखंड का उत्थान कर सकता, उसका नाम है टाइगर जयराम महतो जी। ये आपका अंतिम पार्टी है कि फिर कभी विचार बदलेगा? भाई साहब मेरी बात समझो, अंतिम पार्टी क्या होता है? अंतिम पार्टी नहीं होती मेरा, हम तो विचारधारा का आदमी है। हमको तो कांग्रेस से बड़का ऑफर आया था, कांग्रेस जैसी सेंट्रल पार्टी को वहाँ बड़का ऑफर आया था, आज भी ऑफर है, लेकिन रुस्तम अंसारी महत्वाकांक्षी नहीं है। रुस्तम कंसा कहा जा रहा है कि वो किसी को एक पार्टी को फायदा पहुँचा रहे जयराम महतो। क्या आप बात करते, कैसा सवाल कर दिए आप? ये तो वही बात होगी, कल से एक फेसबुक पर चल रहा है कि जयराम महतो ने कहा है कि फलना करे, सब फेक वाली बात है, इस पर बात करने की नहीं है। जयराम महतो किसी को फायदा नहीं पहुँचाने वाले, जयराम महतो CM है आने वाले दिन का। आप फिर ऐसे भी बात कर दिए, एक CM दूसरे को फायदा का भी पूछा आ सकता है? देखते जाइए ना, खाली समय का वेट करिए। देखिए रात के बाद उजाला भी है, हमारे पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करेगा ना करने वाला। प्लस उनकी व्यक्तित्व को देखिए ना, जो आदमी के पास ठीक से कपड़ा नहीं है, एक से एक ऑफर आया उनको, एक से एक ऑफर आया। अभी चुनावी भाषण में कह रहे थे भाजपा ने कहा कि भाई मैंने हम तुमको विधानसभा मैंने तुमको ये राज्यसभा भेजते हैं, तुम मेरे पार्टी में आ जा। उसने कहा कि कोई जयराम महतो खरीद सकता है, जिस तरह से रुस्तम अंसारी नहीं खरीद सकता है, जयराम महतो को नहीं खरीद सकता है। झरिया से रुस्तम अंसारी विधायक होंगे? क्या बोले सर? झरिया से रुस्तम अंसारी इस बार विधायक होंगे? इंशाल्लाह, ईश्वर ने चाहा तो मैं विधायक बनूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता को संबोधित कर कहना चाहता हूँ कि भाइयों बहनों, आप अपने जिस तरह से प्रत्याशी चुनने का सही तरीका है, जिस तरह से अपने घर के लिए बहू चुनते हैं, अपने घर के लिए दामाद चुनते हैं, तो आप उस तरह से ही प्रत्याशी चुनिए। जात पर मत जाइए, पार्टी पर मत जाइए। आपको लगता है उसमें कहीं नंबर रुस्तम अंसारी का है तो आप रुस्तम अंसारी को EVM के 5 नंबर पर, मेरा नाम है रुस्तम अंसारी, मेरा कैंची छाप है, निवेदन करूँगा एक बार सेवा का मौका दीजिए, बदलाव का मौका दीजिए एक बार कि कम से कम रुस्तम अंसारी आता है। तो मैं
वो करूंगा, लोग देखेगा। आज यदि हम नहीं कर सके तो दोबारा आपके सामने चुनाव में नहीं जाऊंगा। धन्यवाद।